शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। साले दाढ़ी तेरी आई नहीं और लड़की को आता है? बहुत बड़ा हीरो, इधर चल निकल, इधर 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 जल्दी। ए आ ना, अरे जल्दी आ। क्या यार, तूने बताया नहीं कल तू किसका फोटो देख रहा था? बोलेगा कुछ? अरे क्या हो गया? अरे बता ना, कौन थी रे? अरे बोलना कौन थी यार, अरे सोच क्या रहा इतना? अच्छा वो सब छोड़, तेरे को पता है कल तेरे जाने के बाद हम लोग ने क्या शो देखा है बॉस? डैडी पिक्चर का शो, वो भी लाइव। अरे क्या बॉडी थी यार, और मैं ऐसी जगह पे फील्डिंग लगाया था ना, तू सोच भी नहीं सकता दोस्त। गजब। अरे तू कहाँ भाग जाता है यार, रुकना चाहिए ना। अरे भाभी भाभी भाभी, यही है यही है। ओए होए क्या चाल है, अरे तुझे नहीं देखा मुझे देखा है। आप बताओ यार, क्या मानता है कि नहीं? क्या भाई मजा आया, चीज है यार। और एक देखेगा क्या, बोल आज रात को, आज रात को फुल टू एंजॉय करेंगे मास। अरे क्या हो गया? ये कैसा शहर, दिन रात कड़ी मेहनत करने के बाद भी लोगों के पास सोने तक के लिए जगह नहीं, चारों तरफ लोग बिखरे पड़े। ये लोग कैसे नंगी जिंदगी बसर करते हैं? इस चारपाई पे बीवी लेटी हुई है तो बराबर में दूसरा भाई सो रहा है। सैकड़ों आंखें सैकड़ों कान हमेशा खुले हुए, ना चाहते हुए भी आदमी सब कुछ देख लेता है। हल्की सी आहट पूरी तस्वीर बनके आपके सामने आ जाती है। ये टाट का पर्दा क्या है, पांव फटती रोशनी होती सारी शर्म बेपर्दा हो जाती। क्या ख्यालों में किधर, क्या सोच रहा है? कुछ नहीं। चल निकलना नहीं है क्या, उसके बारे में सोच रहा है क्या? नहीं नहीं, फोटो तो दिखा मुझे लड़की का, तूने फोटो ही नहीं दिखाया। अरे लड़की मिल गई, दोस्त को भूल गया यार, दिखा। सैम भाई बात करनी है आपसे। बोलना। अभी एक कमरा है, सात लोग हैं, भैया भाभी छोटे भैया छोटी भाभी पिंकी मुन्ना मैं, वो और आ जाएगी। कहाँ खाएंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ सोएंगे? हाँ सोने के बारे में सोच रहा है, पहले शादी तो कर ले। अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ सैम भाई, सीरियस हूँ। सोच रहा हूँ एक कमरा ले लूँ, शादी टालता हूँ अभी, एक कमरा ले लेता हूँ फिर कर लूँगा, प्राइवेसी हो जाएगी। अरे तो मिल जाएगा, तेरी जेब कितनी गर्म है? मतलब? मतलब रोकड़ा कितना है तेरे पास? कितना चाहिए? देख डिपॉजिट का 50,000, दो महीने का ब्रोकरेज 20,000 और एक महीने का रेंट, मतलब 80,000। क्या मजाक कर रहे हैं, इतना नहीं है मेरे पास। मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये मैं कम बोल रहा हूँ। कम है? हाँ देख मोहन, मैं तेरा टेंशन समझ सकता हूँ, कुछ कर नहीं सकता हूँ, इतना ही बोल सकता हूँ, एडजस्ट करना सीख ले मेरे भाई। चल निकलते, चल चल ना। नहीं आप चलिए, मैं बंद करके आता हूँ। ठीक है कल मिलते। समझ गया तेरी क्या प्रॉब्लम है। जब मेरी शादी हुई थी ना तो मैं भी यही सोच रहा था कि कुछ पैसे इकट्ठे कर लूं, एक कमरा किराए पर ले लूं। हाँ एक ही घर में भैया भाभी के साथ में। जी बिल्कुल, वो सब हाँ। कैसे करेंगे कैसे? तो लेकिन क्या ना, ये मुंबई है, धीरे धीरे सब एडजस्ट हो जाता है। तो मेरी बात समझ रहा है ना? जी। और ये जो घर की दीवारें और पर्दे हैं ये क्या है? कुछ नहीं, फॉर्मेलिटी है। और देख बड़ों के लिए जो इज्जत होती है ना, शर्म। अच्छा बता कहाँ होती है वो? जी शर्म कहाँ होती है बड़ों के लिए? दिल में। हाँ आँख में होती है। आँख
मेरी बात समझ रहे ना तू? जी। तो बिल्कुल मत सोच, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और तू क्यों चिंता कर रहा है सब? तो रात को सोते समय योगा किया कर, वैवाहिक जीवन के लिए बहुत पावरफुल होता है। सबसे कहूंगा मैं तेरे को। देखते देखते पता ही नहीं चला कब दिन गुजर गए और मेरी शादी भी हो गई। अब वो रात आ चुकी थी जो लाइफ में सिर्फ एक बार आती, मेरा मतलब ऑफिशियली, जिसका इंतज़ार हर मर्द हर औरत को होता है। मैं दुनिया का शायद पहला मर्द हूँगा जो अपनी ही सुहागरात से डरा हुआ था। जी, यहाँ अक्सर लाइट जाती है। जाती तो है, पर ठीक हो जाएगा कुछ दिन में सब कुछ। तुम्हें लग रहा होगा कि अपना घर छोड़ के किसी पराए घर में, अजीब लग रहा होगा ना? असल में अजीब तो मुझे भी लगता है। सोची ना, एक ही महीना हुआ है आए हुए और उसी में नौकरी लग गई, शादी हो गई। बताइए, बड़े भैया बता रहे थे कि अच्छे अच्छे लोगों की 6-6 महीने तक नौकरी नहीं लगती यहाँ पे, और हमारी एक ही महीने में लग गई। ऐसे लगता है अभी कुछ ही दिन पहले की तो बात है। भैया श्याम भैया, मैं, हम लोग बहुत क्रिकेट खेला करते थे। बहुत बड़े बड़े मैदान है ना वहाँ पे, मुंबई की तरह नहीं, थोड़ा जगह का वहाँ है। श्याम भैया बहुत अच्छा खेलते हैं क्रिकेट, अजहरुद्दीन की तरह बैटिंग है उनकी, बिल्कुल बहुत धाकड़ मारते हैं। भैया तो पिंकी छोटी सी थी तभी मुंबई आ गए थे। श्याम भैया उनके 6 साल बाद आए होंगे। हाँ 6 6, हाँ 6 साल बाद मुंबई में। उनकी शादी यहीं हुई जैसे हम लोग की हुई।
अम्मा बस रह गई हैं वहाँ पे। अम्मा को आ जाना चाहिए, भैया बहुत बुलाते भी हैं वहाँ। ऐसे लगता है कैसे रहेगी वो अकेले। माँ को भी बहुत बार बोला है आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मानती नहीं जी। वो मुझे बहुत गर्मी लग रही है। सॉरी, मैं कितना बड़ा गधा हूँ तुम्हें। एक मिनट। एक मिनट। ये पहन लो, तुम्हारे लिए लाया था, हल्का है। इसमें बहुत गर्मी लग रही होगी ना। बाथरूम उधर। मैं चलूं? नहीं।